हमारे हाथों में अग्नि शस्त्र होने के बावजूद भी ये संस्थाएं, ये उदारवादी संगठन हमें नैतिक दंडहीन बना रखा है। भय का भयानक भूत दिखाकर भ्रष्टाचार की भट्टी में भावनात्मक मुद्दे फेंकता है, जिससे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक संरचना पर हमें कुशलता से क्रियान्वित करने में बाधा उत्पन्न होती है। और जब तक बाधा उत्पन्न होगी, जब तक हम दबाव में कार्य करेंगे, बाधा उत्पन्न होती ही रहेगी। कहते हैं शखे साध्यम समाचार, हम सैन्यकर्मी अपने अदम्य साहस, शौर्य एवं पराक्रम की पराकाष्ठा से काल के कपाल पर बलिदान की उत्कृष्ट गाथाएं लिखे हैं। सीमाएं हमसे काल, परंतु नए दौर की चुनौतियां भी हैं। आतंकवाद के किसी भी प्रतिरूप को सकारात्मक नहीं माना जा सकता। जब दांतेवाड़ा में 76 अर्धसैनिक कर्मी मारे जाते हैं, तो वहां पर यही संस्थाएं कभी रुदारी बनती है तो कभी विधवा प्राप्त करने लगती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक में अमेरिकी देशों की सेनाएं वहां उन्मुक्त कार्य कर रही है, और एक हम है जो ईश्वरीकरण की घोष हो जाने के बावजूद भी हम आतंकवाद के सामने पौने पड़े रहते हैं। और जब तक ये हमारा बौनापन रहेगा, तब तक हमें बाधा उत्पन्न होती रहेगी। कहते हैं खटेरे का कबूतर ताली बजाने से नहीं उड़ता। हम अर्धसैनिक बल जब नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकतावाद के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी होते हैं, तो यही संस्थाएं अवरोध उत्पन्न कर देती है। मौलाना मौजूद अजहर को यदि नेस्तनाबूद कर दिया गया होता, तो ना ही विमान अपहरण कांड होता और ना ही देश की अखंडता संसद पर हम हमले का षड्यंत्र रचा जाता। कब तक हम गढ़चिरौली, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अपने सैनिकों के लहूलुहान होते देखते रहेंगे? एक हास्यास्पद सच देखें, अवधारणा है कि शहीदों का रक्त बहता है तो वो देश को पवित्र करता है, वह भारत माता के संतान है और भारत माता की आन बान शान पर अपने प्राणों को निछावर देने के लिए तैयार है। अर्धसैनिक बल, आतंकवाद और मानवाधिकार के प्रति कैसा कैसा सवेदनापूर्ण व्यवहार है! हमारे प्रतिद्वंदी मित्रों का जो मिथ्या विचार होगा, तो वे आत्मंथन करें तो पाएंगे कि नदियों का स्रोत और स्त्रियों का गोत कभी ज्ञात नहीं किया जाता। हमें आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक फूल ढूंढने के लिए घटाल को जलाना होगा, और अंत में उस आत्मा को बदल दो जो बिजली गिराता है, उस नाथता को बदल दो जो कस्ती डुबोता है, कर दो अर्धसैनिक बलों को भयमुक्त, उस रहनमा को बदल दो जो दीवार खड़ी करता है, उस रहनमा को बदल दो जो दीवार खड़ी करता है। जय हिंद, धन्यवाद।